हाय गाइस, सो आज मैं अपने बालों को करने वाली हूँ ब्लो ड्राई। और जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने अभी लेयर्स में कटवाए हैं। बहुत दिनों के बाद मैंने ऐसी कटिंग करवाई है लेयर्स में। एंड इसको कैसे ब्लो ड्राई करना है, पीछे भी लेयर है, ये आप जैसे देख सकते हैं छोटे छोटे बाल, इसके पीछे भी लेयर है, आगे भी लेयर है। और थोड़े शॉर्ट हो गए मेरे बाल, इतने थे, मैंने इतना बाल कटवा दिया क्योंकि मैं लंबे बालों से बोर हो गई थी। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैं कैसे इन्हें ब्लो ड्राई करती हूँ। ऐसा तो मेरे बाल अभी स्ट्रेट हैं, बट मुझे थोड़ा सा वेवी वाला चाहिए जिसमें लेयर्स दिखे। तो मैं यूज़ करने वाली हूँ अपना डाइसन, आप ब्लो ड्राई भी यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट, अगर आप वैसे तो हमेशा ब्लो ड्राई अपने बालों को जब आप बाल को वॉश करते हैं तब करना चाहिए। अभी मैंने अपने बालों को बिल्कुल सुखा लिया है, अच्छे से ड्राई कर लिया है अपने डाइसन से। और अब मैं लगाने वाली हूँ इसका ब्लो ड्राई ब्रश। दिस इज़ my magic tool. मैंने बस इसकी वजह से अपने बालों का ये कट कटाया है, so that I can style my hair at my home like salon finish. So बालों को अच्छे से detangle कर ले। और मैं ज़्यादा आपका time waste नहीं करूँगी, फटाफट दिखाऊँगी क्योंकि बहुत problem होती है। मुझे भी बहुत starting में problem हुई थी, बहुत सीखने के बाद सीखा है मैंने कि इसको कैसे करना है। As you can see, सो अब मैंने ऑलरेडी इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। आपको चाहिए हेयर क्लिप या फिर क्लचर, कुछ भी। तो अब मैं करूँगी, इन बालों को मैं पीछे कर ले रही हूँ क्योंकि मैं फ्रंट्स पहले इस बालों से स्टार्ट करूँगी। तो जैसे सैलॉन में करते हैं ना, मैं बिल्कुल वैसा ही कर रही हूँ। तो यहाँ से मैं एक साइड लूँगी, ज़्यादा आपको ज़्यादा वैसे वाला मोटे लेयर नहीं लेने, पतले लेने। और इन्हें मैं इस तरह से यहाँ पे टाई कर दूंगी। सो मैं बस इतना सा हेयर अपना, अभी मेरे थोड़ा सा, इग्नोर माय वॉइस क्योंकि मुझे कोल्ड हो रहा है, तो मे बी मेरा वॉइस थोड़ा सा डिफरेंट लगे। मैंने पूरा आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, सब कुछ मैंने हाई पे कर रखा है। तो और इट्स अ हीटलेस, अगर आपको कोई भी हीटलेस प्रोटेक्शन यूज़ करना है, कोई मिस्ट यूज़ करना है, तो यू कैन। मैंने ऑलरेडी सीरम लगा लिया था। अपने बालों को पहले अच्छे से स्ट्रेट कर लेना है। एंड देन यू हैव टू लाइक दिस, जस्ट होल्ड फॉर अ 1, 2, 3, 4, 5। एंड देन आपको इसको कोल्ड एयर देना है जो डाइसन के अंदर ऑलरेडी होता है। 1, 2, 3, 4, 5 एंड जस्ट ऑफ। आपको इसको 5 सेकंड के लिए और रखना है ताकि ये पूरी तरह से कूल हो जाए। आपको बिल्कुल हीट में इसको नहीं निकालना है, नहीं तो आपका वो परफेक्शन नहीं आएगा। एंड देन यू हैव टू लाइक दिस, इसी तरह से रोल करना है ताकि आपके कर्ल्स बिल्कुल परफेक्ट रहे। सो यू कैन सी दिस, मैं अब इसको बाद में आपको करके दिखाऊंगी। इसी तरह से आपको सारे पार्टीशन करने हैं। सो अगर आपको अपने रोल्स को और थोड़ी देर तक होल्ड करना है तो आप रोलर लगा के कर सकते हो। मेक श्योर कि आप अपने बालों को ऊपर की तरफ ड्राई ब्लो ड्राई करें, ना कि नीचे की तरफ लाइक आई एम डूइंग दिस। इस तरह से आपको ब्लो ड्राई करना है।
यू कैन सी दैट। आपको अभी से ही थोड़ा सा दिख रहा होगा, बाकी मैं आपको इस साइड का मैं पूरा करके दिखाती हूँ। छोड़ूंगी मैं बिल्कुल लास्ट में करूंगी, अदरवाइज आपको मैं इस साइड का दिखा देती हूँ। हाउ आई ब्लो ड्राई, इट्स लुकिंग सुपर ऑसम। पूरे बालों को कर लिया है ब्लो ड्राई, नाउ इट्स टाइम फॉर फ्रंट पार्ट। तो इस तरह से लेना है आपको, एंड अगर आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है तो यू कैन, लाइक यहाँ से अगर आपको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है तो आप कर सकते हो। अब आपको इसको इनर की तरफ नहीं करना है, आपको इसको आउटर की तरफ करना है। मैंने गलत बोल दिया, आपको इसको इनर की तरफ करना है, बाकी सारे रोल्स को आपको, मतलब बाकी सारे हेयर्स को आपको आउटर की तरफ करना है और इसे इनर की तरफ करना है। और आप इसको थोड़ी देर छोड़े, क्योंकि मेन आपके फ्रंट से ही आपके लेयर्स ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं, तो मैं इसको थोड़ी देर रख रही हूँ। एंड देन बूम, so here you will get the perfect। अगर आपके आगे के बाल और भी छोटे हैं तो और भी अच्छे लगेंगे, you can see that। Now here is my look। Looking so perfect। मेरे बालों में वैसे थोड़ी सी मेरे बालों में वैसे स्ट्रेटनिंग हो रखी है, बट स्ट्रेटनिंग बालों में थोड़ा सा टफ होता है ब्लो ड्राई करना, क्योंकि वो ऑल दो फिर से सीधे ही हो जाते हैं। बट अगर आपके बाल थोड़े से हल्के हैं, मेरे बालों की जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है टचवुड, और बालों की जो क्वालिटी है वो बहुत ही थिक है, तो इसलिए मेरे बालों में ज़्यादा देर तक ब्लो ड्राई नहीं टिक पाता है। बट स्टिल मुझे ये लुक बहुत पसंद है। This is gorgeous, looking gorgeous। On this side, so I hope you like this video, guys. Please do subscribe to my channel, hit the like button, and see you in the next video. Bye bye.